आज रामनगर के आयरिश होटल में एक्स आर्मी नेचुरलिस्ट और सिद्धांत व्यक्तियों ने जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। भारतीय सेना में उत्तराखंड का योगदान बहुत ज्यादा रहा है। वहीं भारत सरकार द्वारा अभी तक 963 वीर सैनिकों को पुरस्कृत किया जा चुका है, जिसमें 3 परमवीर चक्र, 1 महावीर चक्र और सैकड़ों सैनिकों को अशोक चक्र से नवाजा जा चुका है। जनरल विपिन रावत भी उत्तराखंड की सरजमीन से सेना में शामिल हुए थे। उन्होंने तीनों सेनाओं के जनरल बनकर देश की सेवा की और देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों को निछावर कर दिया। आज भी हमारे देश की कई रेजिमेंटों में उत्तराखंड के युवा अपनी सेवा दे रहे हैं। डिफेंस के बारे में जो सबसे पहले हमारे जनरल विपिन रावत जी का, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान और देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने के बाद डिफेंस को यहाँ पर इसलिए बुलाए, रिस्पेक्टेड और मेरे माननीय सभी यहाँ पर, हमें डिफेंस से पूरे उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से अवार्डेड हैं, जिन्होंने अपना योगदान अपना बलिदान दिया है, हमारे 963 इस समय यहाँ पर अवार्डेड हैं उत्तराखंड के अंदर में, जिसमें 2 परमवीर चक्र, 3 परमवीर चक्र और 1 महावीर चक्र और हजारों की गिनती के तादाद में कुछ नहीं कहा जा सकता, जिसमें क्या अशोक चक्र हैं और सेना मेडल। न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के लिए रामनगर से नाजिम कुरैशी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुद्दे, रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक, और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा। देवभूमि के बारे में देवभूमि के वासियों के साथ सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर, खबर उत्तराखंड की।